छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें सूरजपुर थाने में पदस्थ एएसआई तालिब शेख की पत्नी और 16 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी गई। दोनों के शव को घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिया गया। इस मामले में कई नए मोड़ सामने आ रहे हैं और पुलिस जांच की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक एएसआई तालिब शेख अपनी पत्नी और बेटी के साथ सूरजपुर रिंग रोड स्थित किराए के मकान में रहते थे। घटना के समय वह पेट्रोलिंग ड्यूटी पर थे। रात के दौरान अज्ञात हमलावरों ने उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी और बेटी की निर्मम हत्या कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में कुलदीप नामक युवक मुख्य संदिग्ध के रूप में सामने आया है। बताया जा रहा है कि घटना से पहले कुलदीप का एएसआई तालिब शेख और आरक्षक घनश्याम सोनवानी से विवाद हुआ था। उसने घनश्याम पर खौलता हुआ तेल डाल दिया था और इसके बाद से वह फरार है। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे, उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गया है तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया, उसकी खोजबीन पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान रक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थी, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा, रात भर घेराबंदी किया सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उस पर हम उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा घटना कारित की जानकारी प्राप्त हुई है।